नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अभी अभी एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है, यानी कि जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे, रजिस्ट्रेशन कराए हुए, उनका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। यानी कुछ दिन पहले फर्स्ट यानी कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया था, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट का गलत भी होता, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फोटो वगैरह, माता पिता के नाम में, तो सुधार करवाए हैं। या अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देंगे 2024 में तो भी आप इस चेक कर पाएंगे कि कैसे आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि उसी आधार पर आपको जो भी ओरिजिनल आएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड उस पर भी प्रिंट रहेगा, ठीक है। इसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर वही नोटिफिकेशन दिखलाई दे रहा है जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अभी अभी ट्वीट करके जानकारी दिया गया, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है नोटिफिकेशन। इसमें बात किया गया, देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए विद्यार्थियों का द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है, जो कि अंतिम अवसर के तहत वेबसाइट पर यानी कि इस वाले वेबसाइट पर दिनांक 19/7/2023 तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। जो भी आपका द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है वो आपका 19/7/2023 तक उपलब्ध रहेगा वेबसाइट पे, यानी कि 19/7 तक आप सुधार करा सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि हाँ क्या किया गया, तो ये नोटिफिकेशन जानकारी दिया गया। कैसे भी आपको चेक करना है वो भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में तक बने रहेगा। और भी इसमें क्या जानकारी दिया गया ताकि आप समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इस बात के अर्थ अतः सभी विद्यार्थी अपने विद्यालय से द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करते हुए उसमें अंकित अपना विवरणी का मिलान कर लेंगे तथा आवश्यकता अनुसार अपने विद्यालय के माध्यम से निर्धारित तिथि 19/7/2023 तक संशोधन भी करा सकेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है आपको अपने स्कूल से ही लेना पड़ेगा, और वहां पे अगर कुछ प्रकार के गलत होता है नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फोटो वगैरह में, तो आप वहीं पे इसका जीरोक्स कॉपी लेकर आपको विद्यालय में ही जमा कर देना है और उसके साथ जो भी अटैच कर देना है डॉक्यूमेंट, ताकि उसी आधार पर सुधार हो सके, ठीक है। इसमें जानकारी दिया गया। और भी इसमें बात किया गया, देख सकते हैं जानकारी दिया, बताया गया समिति द्वारा जारी किए गए द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में विद्यार्थियों के नाम या उनके माता पिता का नाम या उनकी स्पेलिंग में त्रुटि हो या फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि हो तो उसका सुधार संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यानी किसी प्रकार का अगर उसमें त्रुटि होती है आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में तो विद्यालय से ही यानी कि इसका त्रुटि का सुधार किया जाएगा, वहां पे आपको जमा कर देना है कि हाँ ये हमारा गलत दिखलाई दे रहा है, तब वहां से सुधार करवा सकते हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही है, तो ऐसा जरूर करिएगा। इसमें बात किया जाए द्वितीय डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने के क्रम में किसी प्रकार का असुविधा हो समिति के हेल्पलाइन नंबर इतना पर सूचित किया जा सकता है, ठीक है। यानी इतना अगर किसी प्रकार का डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से सूचित भी कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर। अब चलिए कैसे हम आपको बताते हैं कहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और कैसे आपको चेक करना है। दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया, जिस उस लिंक पर क्लिक करें तो www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चलेंगे। इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद डायरेक्टली इस पोस्ट का हमने लिंक दिया है ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। अब जिस उस पर क्लिक इस बार चले जाएंगे बिहार बोर्ड 10th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2024 डाउनलोड लिंक, इस वाले पोस्ट पर चलेंगे। अब इस वाले पोस्ट पर आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर देना है। यानी कि पहला जो भी आपका डमी रजिस्ट्रेशन का जारी किया उसके लिए पोस्ट लिखा गया है, लेकिन लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा, आपको इस लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं जो भी द्वितीय है जारी किया गया। तो बताया गया 4th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड लिंक, इस पर दिखलाई क्लिक हेयर का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल वेबसाइट है ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे रीडायरेक्ट होने के बाद देख सकते स्कूल कोड, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस स्कूल से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं तो उसका स्कूल कोड आपको इसमें डाल देना है। आप सबको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, मालूम ही होगा, आपको भी बता देते हैं। उसके बाद कैंडिडेट नेम आपको लिख देना, सही सही लिखिएगा, जो भी आपका डिटेल्स है यानी लेटर है अपना सही लिखिएगा। उसके बाद फादर्स नेम इसमें लिख देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो दिख रहा है इसमें लिखकर उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर सारा डिटेल सही रहेगा तो आपका जो भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है आपको मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल हमको दोस्त बता दें कि हमारे पास ऐसे कोई डिटेल्स किसी स्टूडेंट का नहीं है, नहीं तो हम आपको डाउनलोड करके दिखलाते हैं और लाइव प्रूफ भी बताते हैं। आप करिए, अगर नहीं होता कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, biharhelp.in के वेबसाइट पर जरूर आप विजिट कर दीजिएगा क्योंकि नए नए अपडेट आपको इसमें मिलता ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।